मुक्त रहेगा तब उसको स्वस्थ कहेगा, इसके लिए आयुर्वेद की योजना है। इन्होंने उदाहरण दिया और बाद में भाई प्रशांत जी ने भी उदाहरण दिया। शल्य क्रिया उस समय थी, विश्वला के टूटी हुई जान को तोड़ देने का श्लोक मंत्र वो मंत्र मिलता है वेद में। गणेश का उदाहरण दे दिया है शिव जी के यहाँ, सिर संधान किया उनका। दधीच का भी उदाहरण किसी ने दिया नहीं है शायद, दधीच को ब्रह्म विद्या दिया इंद्र ने। शर्त रखी, इस ज्ञान को तुम सबको नहीं दोगे, ऐसे गुरु अब नहीं होते। सांवरिया तंत्र के जो लोग होते हैं गांव में, जो जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे मंत्र से झाड़ फूंक करने वाले, वो शर्त रखते हैं कि तुम ये मंत्र किसी को बताओगे नहीं, और लिखने नहीं देते हैं। कहते हैं बोलता हूं इसको रट लो, सांप झाड़ने का बिच्छू झाड़ने का, उनकी कितनी सत्यता है कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी जो कुछ भी है गांव में उनकी प्रतिष्ठा है, लोग उनकी प्रतिष्ठा है, तो कहते किसी को बताना ना। हमारे यहाँ ये परंपरा के लोग वो कान में जाते हैं बता देते हैं कोई मंत्र, धन्य हो और जय हो श्री राम शर्मा की, कान में फूंक कर बताए जा रहे मंत्र वाले मंत्र को दूरभाष यंत्र के द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा गलियों गलियों में बता दिया कि हमारी अस्मिता का मंत्र यही है, इसको ही जपना चाहिए। तो दधीच को तो इंद्र ने मना कर दिया था, तो अब अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमारों ने कहा कि हमें आप ये विद्या बता दो, ये शतपथ ब्राह्मण में कथा है। तो उन्होंने कहा कि मैं बता दूंगा तो मेरा सिर काट देगा वो। अश्विनी कुमार ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारा सिर काट के पहले ही रख देते हैं और घोड़े का सिर लगा देते हैं। घोड़े का सिर लगा दिया और इसके बाद उन्होंने विद्या बताई, और जैसे ही विद्या बताई वैसे सिर काट दिया, तो घोड़े का सिर कट गया। अब वो बचा उनका जो सिर था उसको लाके जोड़ दिया। इसको हैग्रीव विद्या भी कहा जाता है। हैग्रीव की बड़ी उपासना दक्षिण भारत में होती है, क्यों? ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने वाले ये हैग्रीव मुख से दधीच ने किया था। दधीच ने अपनी हड्डी का दान कर दिया। पूछिए कहीं शास्त्रों में लिखा है क्या कि गाय गोमांस, गाय कोई मांस इत्यादि का स्पर्श करती है? लेकिन लिखा है शास्त्र कि दधीच के हड्डी को, दधीच के मांस को चाट चाट करके गोमाता ने अलग किया तब वो हड्डी मिली, और जिस हड्डी को स्पर्श करने से स्नान करते हैं उसके पंच बने और भगवान अपने हाथ में लेते हैं। जिसने देह दान कर दिया है, अपने जीवन का जिसने दान कर दिया है लोगों पकार के लिए, उसके हड्डियों का धनुष भगवान के हाथ में रहता है। विश्वला की कथा हमने बता दी। दक्ष प्रजापति का प्रसंग त्रिपाठी